हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से राजमा चावल बनाएंगे। चटपट बन जाने वाली रेसिपी है ये, तो चलो देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने राजमा लिया है, इसे हम गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, रात को इसे भिगोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर 1 घंटे के बाद मैंने कुकर में राजमा लिया है, उसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे हम 6 से 7 सीटी लगाएंगे। फिर हम चावल बनाएंगे, तो सबसे पहले मैंने 1/2 कप चावल लिया है। चावल का वघार करेंगे तो ऑयल डाला, थोड़ा सा जीरा डाला और हम पानी डालेंगे। जितना चावल है उससे दुगुना पानी डालेंगे। उसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। पानी गर्म हो जाए फिर हमें चावल को धो के इसमें डाल देना है और थोड़ा सा नींबू डालेंगे। इससे चावल एकदम खिला खिला और दाना सफ़ेद बनेगा। फिर इसे एक बार हम चला लेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे इसे हम पकाएंगे। पहले थोड़ा सा ढक्कन खुला रखेंगे, फिर बाद में पानी कम हो जाए फिर पूरा ढक्कन ढक देंगे। तो ये चावल हमारे पक्के तैयार है। आप देखिए कितना अच्छा और खिला खिला चावल हमारा बनके तैयार है। अब हम राजमा बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने पैन में 2 चम्मच तेल डाला है। इसमें जीरा, हींग और ये प्याज और एक हरी मिर्च डाली है। इसे हम भून लेंगे। प्याज थोड़ा सा पिंक हो जाए फिर इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फिर इसमें एक टमाटर डाला है, टमाटर को भी हम पका लेंगे। थोड़ा सा टमाटर गल जाए फिर बाद में हम हल्दी, धनिया, जीरा और लाल मिर्च का पाउडर डालकर इसको भी हम पका लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा ही पानी डालकर मसाले को अच्छे से पकाएंगे। इससे क्या होगा कि मसाला एकदम पक जाएगा और ग्रेवी इसकी अच्छी बनेगी। मसाला हमारा पक चुका है, अब हम उसमें बॉईल करके जो राजमा हमने रखे थे वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ढककर हम 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। ये 8 से 10 मिनट के बाद हमारा राजमा बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने चावल रखे हैं। आप देखिए कितना अच्छा सा चावल खिला खिला हमारा बना हुआ है और हमारा राजमा भी एकदम बढ़िया तरीके से बना हुआ है। बिल्कुल आसान तरीके से ये रेसिपी मैंने बनाई है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी चैनल को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं मेरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।